बागोड़िया तालुका के वलवा गांव में कुछ दिनों पहले तुलसीबेन नायक पर वन्य प्राणी मगरमच्छ ने हमला कर दिया था, जिसके चलते मगरमच्छ के इस हमले में उनकी जान चली गई। ऐसे में आज सांसद रंजनबेन भट्ट वलवा गांव में तुलसीबेन नायक के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और सांसद रंजनबेन भट्ट की ओर से तुलसीबेन नायक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वैसे आपको बता दें कि इस मौके पर उपस्थित सांसद रंजनबेन भट्ट की ओर से गुजरात सरकार के वन और पर्यावरण विभाग की ओर से दी गई 5 लाख रुपये की सहायता का चेक और 1 माह की राशन किट भी तुलसीबेन के परिजनों को अर्पित की गई। वैसे इस मौके पर उनके साथ जिला प्रभारी पराक्रम सिंह जाडेजा और जिला कारोबारी समिति के चेयरमैन राजेंद्र भाई पटेल की मौजूदगी भी दर्ज की गई। तो आ गए अने ए दीकरी ने मगर खींची गयो, मगर एने मारी नाखी। अने बे दीकरी होती एटले एक दीकरी ने खींची गयो, बीजी दीकरी तरत ज दौड़ीने एनो पण दुपट्टो खींची लेवामां आव्यो हतो, पण ए दौड़ीने ગામમાં જાણ કરી એટલે ગામના સરપંચશ્રી અને ગામના લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ આ બધા જ દોડી જઈ નદી કિનારે ફોરેસ્ટ વિભાગને પણ જાણ કરી અને સાથે સાથે ફોરેસ્ટે ફાયરને પણ જાણ કરી। આ ટીમ ત્યાં તાત્કાલિક દોડી ગઈ, દીકરીને બચાવી તો ન શક્યા, પણ દીકરીની જે બોડી હતી એ બોડી બે બાજુથી બંને મગરો પોતાને ખાવા માટે સાચવીને બેઠા હતા, તો એની વચ્ચેથી આપણું ફાયર અને સાથે સાથે ફોરેસ્ટ વિભાગે આ દીકરીની ડેડ બોડી બહાર કાઢી અને ગ્રામજનોને અને એને પરિવારને આ ડેડ બોડી સોંપી હતી। માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને ફોરેસ્ટ વિભાગ તરફથી આ દીકરીના પરિવારજનોને 5 લાખ રૂપિયા आजी हमें चेक अर्पण करियो छे। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।